महाशिवरात्रि के मौके पर चाक घाट में बनेगा बेस कैंप, स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महाराजा पुष्पराज सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात कर कुंभ मेले में स्नान के लिए जा रहे विंध्य की जनता के लिए चाक घाट में एक स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए कहा। उनका कहना था, हमने किसानों के कर्ज माफ किए, किसान निश्चिंत है, इसलिए वह ज्यादा संख्या में स्नान के लिए जा रहा है, हमें उसकी सुविधा का खास ख्याल रखना है। लाखों लोग हमारे मध्य प्रदेश से इलाहाबाद जा रहे हैं प्रयाग स्नान के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ कैंप भी लगाया है और बहुत सारा काम भी करा है। इस 3 महीने में हमने काफ़ी सड़कें भी बनाई है जिससे लोगों को सहूलियत रही है। कर्ज माफ़ी के कारण किसान काफ़ी निश्चिंत हुआ है और निश्चिंत होने के कारण उसकी, जब वो निश्चिंत होता है तभी स्नान करने जा सकता है, तीर्थ स्थान जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो उसकी क्राउड बढ़ी है, उसकी जो क्षमता है जो बढ़ी है, और इसलिए भी हम लोग ये लगा रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, माननीय राहुल गांधी की तरफ से हम आभार व्यक्त कर रहे हैं उन लोगों का कि अब आप निश्चिंत होके जाइए, आपका कर्ज भी माफ़ हो गया है, आपकी सड़कें भी बेहतर हैं आपके लिए, वहाँ स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ों के लिए कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। कल हम लोग एक शिविर का भी वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, चाक घाट में एक बेस कैंप बना रहे हैं। शिवरात्रि में काफ़ी लोग जो जाएंगे वहाँ पर, उनके लिए एक बेस कैंप बन रहा है, जाके वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी करा सकते हैं। वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारे तहसीलदार वहाँ पर रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उस संदर्भ में आज ये मीटिंग थी।